व्लॉग नॉर्मली टाइम पास के लिए बना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे व्लॉग भी डाला नहीं, क्योंकि बाहर की तरफ जाने ही नहीं मिला। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून वंस अगेन, वेलकम टू माय चैनल ब्लारन अला। यार दो हफ्ते तो घर पे बैठे थे लॉकडाउन के कारण, किधर जा नहीं पाया। अभी जस्ट एक मतलब दोस्त के इधर मैंने जैकेट मंगाया था, राइडिंग जैकेट एक, तो वो लेने ही जा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे इधर एड्रेस में डिलीवरी अवेलेबल नहीं था, तो उसके कारण मैं मंगा नहीं पाया इधर, तो उधर जाके अभी कलेक्ट करके वापस रिटर्न आने का। तो बारिश भी नहीं गिर रहा था, तो इसलिए सोच लिया गिर के चलो फिर जाके आ जाओ तो जल्दी आ जाएगी घर के। तो हार्डली एक यहाँ से 20-30 किलोमीटर ही रहेगा, जल्दी जाके जल्दी आना है, बारिश के पहले आना है। वैसे तो विंडशीटर तो कैरी कर लिया हूँ, सपोज़ बारिश गिर गया गलती से तो फिर कैसे वापस भीगना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं तो फुल एक्साइटमेंट में ही जा रहा हूँ, क्योंकि पहली बार मैं जैकेट ले रहा हूँ। मुझे पता नहीं कैसा, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर बुक कर दिया था, क्योंकि यहाँ पे सब स्टोर सब बंद थे, तो उसके कारण मैं मंगा भी नहीं पाया यहाँ से। और एज अ स्टार्टर के लिए वो जैकेट शायद काफ़ी अच्छा रहेगा, स्किमिटार करके ब्रांड है कौन सा, तो मैं भी मतलब काफ़ी इसका ये तो सुना हूँ, फीडबैक तो अच्छा है, लेवल 2 का जैकेट है। लेट्स सी, अभी जाके पता चलेगा, घर पे आके फिर उसको खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कैसा है जैकेट करके। तो हल्का हल्का बारिश हो रहा है और धूप भी आ रहा है, मैंने तो विंडशीटर तो चढ़ा ही लिया, बोला आगे जाके बारिश गिर गया तो कैसा, इधर रुकना नहीं पड़ेगा पहले ही। और मैंने लास्ट टू लास्ट वीक ये अपना सह्याद्री से वैभव भाई से कांटेक्ट करके, इधर ये सह्याद्री एक्चुअली नज़दीकी है, तो उनसे कांटेक्ट करके मैं कैसे ना कैसे क्रैश गार्ड लगा के ले लिया, क्योंकि बारिश का टाइम है, गाड़ी स्लिप पर ही किधर भी हो सकता है, और इंजन तो अपने को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना है। तो उसके कारण मैंने बोला भाई कुछ भी करके लगा दो, तो उन्होंने अरेंज करके लगा दिया पहले। तो आपको भी अगर किसी को लगाना हो सह्याद्री का क्रैश गार्ड, तो आप जाके लगा सकते हो, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उनका नंबर और एड्रेस भी दे दूँगा, तो ताकि आप कैसा उनको डायरेक्ट भी कॉल करके पूछ सकते हो स्टॉक अवेलेबल है या नहीं। मोस्टली उनके पास तो स्टॉक अवेलेबल रहेगा, बस शेड्यूल के टाइम के हिसाब से आप चले जाना हो। ये कर्व्स में चलाने कुछ अलग ही मजा है यार, मस्त का मजा आता है। वो ये पानी उड़ाएगा अपने ऊपर, मस्त थोड़ा सा बारिश गिरा, मस्त ग्रीनरी ग्रीनरी हो गया पूरा, अच्छा लग रहा है। और रोड भी इन्होंने बना दिया यार, कुछ मस्त स्मूथ वाला एकदम। रोड पे आके काफी दिन हो गए, काफी मतलब काफी ज्यादा दिन। तो फर्स्ट टाइम लॉन्ग राइड जाते वक्त भी इधर से गया था हम लोग, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी गए थे हम लोग, अप्रोक्सीमेटली यहाँ से समवेयर अराउंड 430 किलोमीटर कुछ तो था। मजा आ गया, लेकिन वो रास्ता गुजरात का रास्ता मतलब इतना मक्खन जैसा रास्ता था ना, चला के फुल लॉन मजा किया पूरा ड्राइव पे। तो यहाँ पे एक छेना ब्रिज भी करके है, ये लेफ्ट साइड में अगर देख लेना जो छेना ब्रिज है, यहाँ पे काफ़ी सारा पब्लिक, बारिश के टाइम तो काफ़ी सारा पब्लिक आते हैं यहाँ पे, डेफिनेटली क्योंकि ना इधर पे अभी थोड़ा सा बारिश गिरा है, लेकिन पानी तो काफ़ी अच्छा फ्लो हो रहा है, तो
तो यहाँ पे बहुत सारा पब्लिक आती है, सिर्फ यहाँ व्यू इतना अच्छा मिलता है इधर। एक्चुअली ज़्यादा ही कुछ ट्रैफिक लग रहा है हाईवे पे, इतना ट्रैफिक तो रहना नहीं चाहिए था, लेकिन ज़्यादा ही कुछ लग रहा है इधर। तो यहाँ पे भी रोड्स का काम चालू है, हम लोग ये टूर दहीसर जा रहे हैं, यहाँ पे भी रोड छोटा है काफी, जल्दी पहुँचना चाहिए। शायद यहाँ से हार्डली 10 मिनट्स ही रहेगा लगता है, तो भी जाके देखते। तो ये राइट टर्न मारना अपन को, तो ये मोबाइल माउंट भी अपने को अभी निकालना ही पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि खराब हो चुका है। राइट तो मार लिया, अभी सीधा सीधा जाना अपने को, सीधा सीधा लोकेशन दिखा रहा है। तो अपन डेस्टिनेशन तो पहुंच गए, तो ऐसे ट्राई बाय करके देख ले, काफी अच्छा जैकेट है, मतलब एक स्टार्टर के लिए तो काफी अच्छा ही है, मैश वाला है जैकेट। और इन्होंने जल्दी, मतलब एकदम ज़्यादा ही जल्दी, मतलब डिलीवरी कर दिया मुझे, मेरे को लगा लॉकडाउन है तो शायद लेट कर देंगे, लेकिन जल्दी लोग ने डिलीवरी कर दिया। तो मैंने ये स्पार्टन प्रो गियर से मंगाया था, साउथ का एक ब्रांड, मतलब दुकान है, स्टोर है, तो ये लोग ऑल ओवर इंडिया डिलीवर करते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, चाहे तो ट्राई कर लेना, मैं इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और उनके पास मतलब दो जैकेट्स में जिसमें ऑफर चालू है, एक स्किमेटर में चालू है और एक स्पार्टन का ही एक ब्रांड है उसमें ही, तो उसमें चालू है, तो देख लेना दोनों, मतलब अच्छा है थोड़ा, मतलब प्राइस रेंज भी काफ़ी अच्छा है इनका। मैंने तो अभी विंडशील्ड पहन के रख लिया, मतलब बारिश भी हो जाए तो प्रॉब्लम ना पड़े, क्योंकि तो इधर रुक नहीं सकता है, फिर अभी डायरेक्ट चलते बढ़ेंगे। सो एट लास्ट ट्रैफिक से तो बाहर आ गए हम लोग, एक लास्ट सिग्नल ही है हाईवे पे का, फिर डायरेक्ट होटल फाउंटेन पहुंच जाएंगे फटाफट। यहाँ से थाने 18 किलोमीटर है, तो अपने को जाना है 14 किलोमीटर कवर करना है, तो हार्डली एक 10-15 मिनट्स अगर ट्रैफिक मिला तो मोस्टली हाफ एन आवर तो जा ही सकते हैं। तो ऑलमोस्ट घर पे पहुंचने वाला हूँ, मतलब कम से कम एक घंटा तो हो ही गया, वहाँ से कितना बजे निकला था मेरे को भी आइडिया नहीं, थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया था उधर अंदर बीच में, उसके बाद खाली रास्ता मिला थोड़ा बहुत, फिर थोड़ा बहुत राइड तो हो ही गया, मतलब थोड़ा सा मस्ती मजाक में चला ही लिए,
तो यहाँ पे एक्चुअली अपना इंडिया का झंडा उड़ते रहता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए लोग ने निकाल के रख दिया क्योंकि बारिश के कारण, और हवा भी इतना अच्छा आ रहा है ना, मस्त तो उड़ता था लेकिन बारिश। ये ब्लॉग नॉर्मली टाइम पास के लिए बना है क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ब्लॉग भी डाला नहीं, क्योंकि बाहर किधर जाने ही नहीं मिला। आज जाने मिला थोड़ा, तो फिर मैं बोला चलो डाल ही देता हूँ एक छोटा सा ब्लॉग। तो मैं ऑलमोस्ट घर पे पहुँच गया, तो यहाँ पे मैं ब्लॉग ख़त्म कर देता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। टिल दैट, ईट स्लीप राइट रिपीट वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर, सी या।